हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाइपर राइडर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल पे। और आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं 110 सीसी में आने वाली पहली बाइक, जो कि हमें एबीएस के साथ देखने को मिलती है। और ये है प्लेटिना 110। और भाई ये अपडेट हो चुकी है PS6 फेज 2 में। तो भाई आज हम करेंगे इसका रिव्यू और बताएंगे कैसी है ये बाइक अपडेट होने के बाद। तो भाई जो इसके फ्रंट फेशिया की बात करें, तो वही जो हमें नॉर्मल BS6 में देखने को मिलता था, सेम फ्रंट फेशिया यहाँ दिया है। ब्लैक कलर की विंडशील्ड, नीचे LED इंडिकेटर। और लाइट्स की बात करें तो लो बीम, हाई बीम, हेलोजन के अंदर देखने को मिल जाती है। जो साइड टर्न इंडिकेटर हैं वो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ हमें इसमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमें फिक्स टाइप देखने को मिल जाते हैं। सामने की तरफ बात करें, वही हाइड्रोलिक सस्पेंशन नॉर्मल वाले, जिनके ऊपर यहाँ पर कम्फर्ट टेक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। भाई अब बात करते हैं इसके टायर की, तो मड फ्लैप जो हमें रेड कलर में इसके बॉडी कलर में देखने को मिलता है, और पीछे से ब्लैक कलर में कंपनी ने दिया है। सस्पेंशन के ऊपर इस पे रिफ्लेक्टर्स कंपनी ने प्रोवाइड कराए हैं। ये सामने आप डिस्क ब्रेक देख सकते हैं, डुअल कैलिपर का एंड्योरेंस का डिस्क ब्रेक इसमें हमें देखने को मिलता है। तो भाई अब आप पूछोगे ABS कहाँ है, तो ABS की रिंग लगी है हमारी इस साइड। तो ये लगी है हमारी ABS की रिंग, जो कि काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग इसमें हमें प्रोवाइड कराती है। भाई टायर की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है ये मेटेरो कंपनी का टायर। और इसके साइज की बात करें, 80/117 इंच का इसमें हमें अलॉय व्हील देखने को मिलता है, जो कि 5 स्पीक्स अलॉय के साथ आता है, जो कि ब्लैक कलर के हैं। और डिज़ाइन के लिए इस पे ये थोड़ी ये क्रीम से कलर का इस पे हमें चारों तरफ से ये लाइटनिंग दे रखी है, जो कि स्टिकर का काम काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। और टायर प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छी कंपनी ने प्रोवाइड की है। हॉर्न की बात करें तो सिंगल हॉर्न के साथ ही हमें देखने को मिल जाती है। भाई यहाँ पर इसके साइड में यहाँ आप देख सकते हैं BS6 का, जो कि हमें यहाँ पर ऑक्सीजन सेंसर और नीचे कैटलेटिक कन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। इंजन की बात करें, 110 सीसी का ये इंजन देखने को मिलता है। पावर की बात करें, 8.48 PS की पावर, और टॉर्क की बात करें 9.81, मतलब लगभग 10 Nm का टॉर्क इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। भाई पेट्रोल के स्विच है, जो कि ऑन ऑफ होता है, तो इसका मतलब ये भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के साथ देखने को मिलती है। नीचे की तरफ बात करें तो भाई ये कुछ इस तरीके का 5 स्पीड का मैनुअल गेयरबॉक्स देखने को मिलता है, जो कि 5 गियर आगे ही डलते हैं। साइड स्टैंड, मिडिल स्टैंड दोनों इसमें देखने को मिल जाएंगे। पीछे की तरफ बात करें, कुछ इस तरीके का नॉर्मल प्लेटिना वाला फुटपैक इसमें हमें देखने को मिलता है। साइड बात करें तो भाई क्लोज चैन सिस्टम देखने को मिलता है, तो कहीं भी आपकी चैन में कोई प्रॉब्लम, ज़्यादा मेंटेनेंस देखने को नहीं मिलेगी। भाई गैस चार्ज स्प्रिंग टाइप हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे, जो कि गैस चार्ज है भाई, नाइट्रोक सस्पेंशन, जो कि काफ़ी अच्छी राइड और काफ़ी कंफर्टेबल राइड आपको ये देंगे। तो भाई कुछ इस तरीके का पूरा डिज़ाइन इसमें हमें देखने को मिल जाता है। साइड से देखेंगे तो यहाँ पर फेंडर पे हमें लिखा हुआ है 110 ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, पूरी ब्रांडिंग यहाँ पर कंपनी ने दी है। साइड फेंडर हमें कुछ इस तरीके का इसमें देखने को मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस इसमें भी सेम हमें 200 mm की देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं बाइक के पीछे, और पीछे से सेम वही हमें हेलोजन इंडिकेटर, एक इसका क्रैब हैंडल जो कि ब्लैक कलर का सिंगल पीस में देखने को मिलता है, ये हेलोजन लाइट रिफ्लेक्टर, और नीचे का मड फ्लैप कुछ इस तरीके का हमें देखने में मिलता है। अब बात करें भाई इसके टायर की, तो टायर आप देख सकते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ भी रिंग है। तो आप बोलेंगे ये डुअल चैनल ABS है, नहीं भाई, ये जो स्पीड का जो सिस्टम लगाया है वो बैक टायर में लगाया है। बैक टायर को आप चलाओगे तो यहाँ से आपको आपकी स्पीड पता लगेगी। पीछे इसमें ड्रम ब्रेक सेटअप दे रखा है, नॉर्मल वाला स्विंग आर्म है, जो कि आयरन का है, तो इसमें इतना वजन नहीं होता बाइक में, तो ये ठीक ठाक जो कि बैलेंसिंग है वो दे देगा। सस्पेंशन वही नाइट्रोक्स का। टायर की बात करें तो वही यार, ये मेट्रो वाला टायर है, और इसके डायमेंशन की बात करें तो 3.017 इंच का भाई सेम वही हमें देखने को मिल जाएगा। ये इसका कुछ इस तरीके का हमें शोकर देखने को इस तरीके का इसका एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, जिसके ऊपर आपको ये क्रोम की प्लेटिंग भी देखने को मिल जाएगी।
और साइड से कुछ इस तरीके का इसका हमें ओवरऑल डिजाइन देखने को मिलता है। ये इसका साइड फेंडर और इस साइड पे हमें 110 ABS की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। इसके इंजन में हमें सेम किक दे रखी है और ऊपर हमें सेल्फ स्टार्ट दोनों ऑप्शन यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं। भाई सीट की बात करें, सबसे पहले कम्फर्टेक की ब्रांडिंग आप सीट के ऊपर देख सकते हैं। सीट काफी सॉफ्ट और काफी लंबी सीट दे रखी है। सीट हाइट की हम बात करें तो इसके अंदर हमें सीट हाइट देखने को मिलती है 807 mm की, तो 5-6 से ऊपर के बंदे इसको चलाएंगे। टैंक पैड भी हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। बात करें तो वही हमें प्लेटिना की इस पर स्टिकरिंग, नॉर्मल वो लंबे टाइप का इसका पूरा टैंक देखने को मिलता है, जो कि 11 लीटर फ्यूल कैपेसिटी के साथ देखने को आता है। T20 की ब्रांडिंग BS6 Phase 2 में आ गई, फ्लेक्स फ्यूल के साथ ये चल सकती है। हैंडल बार की बात करें तो वही नॉर्मल हैंडल बार सिंगल पीस यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। इसका पास स्विच, हाई बीम लो बीम, साइड टर्न इंडिकेटर और ये हॉर्न का स्विच हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ बात करें तो लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर बटन और ये सेल्फ स्टार्ट करने का बटन हमें यहाँ देखने को मिलता है। भाई मीटर की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा सेमी डिजिटल मीटर। पहले चाबी की बात करें तो कुछ इस तरीके की हमें इसकी नॉर्मल वाली पुरानी जैसी चाबी मिलती है। इसको स्टार्ट करेंगे, ये फुल स्वाइप लेता है, सारी चीजें हमें बताता है। स्पीडोमीटर वो इसका हमें देखने को मिल जाएगा आपके यहाँ पे। स्पीडोमीटर हमारा है एनालॉग में। न्यूट्रल किया भाई गियर शिफ्ट इंडिकेटर यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ओडोमीटर, टाइम, लो फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ पे लो बैटरी और सर्विस रिमाइंडर, सब कुछ आपको इस छोटी सी MID में देखने को मिल जाएगा। न्यूट्रल की लाइट, इंजन मॉलफंक्शन लाइट और ABS की लाइट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और कुछ चेंज करना है तो आप इससे चेंज कर सकते हैं। ट्रिप, ओडोमीटर और ट्रिप यहाँ से आपकी चेंज हो जाएगी। कुछ इस तरीके का नॉर्मल कंसोल इसका हमें देखने को मिलेगा। भाई ओवरऑल इसके वेट की बात करें तो वही 117-120 किलो के आसपास की हमें देखने को मिल जाती है। तो भाई ये था ये इसके LED DRLs जो कि सामने से देखने में कुछ ऐसे लगते हैं। तो भाई ये थी प्लैटिना 110 जो कि हमारे सामने खड़ी है ABS वर्जन के साथ, और ये हमारे सामने खड़ी है प्लैटिना 110 कंफर्टेबल जो कि विदाउट ABS है। ये आप देख सकते हैं नॉर्मल वाले इसमें टायर हैं। प्लैटिना 110 ये भी T20 में अपडेटेड है। तो भाई ये हैं दोनों बाइक, एक ABS के साथ एक बिना ABS के। भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को करो सब्सक्राइब। ऐसी ऐसी वीडियो लगातार मैं आपको देता रहूँगा। भाई बाइक पसंद आई, बाइक खरीदनी है, इसके शोरूम की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ जाओ, बाइक की पूरी शोरूम की डिटेल है, वहाँ जाके आप बाइक खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।